नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मेव समाज उतरा कांग्रेस के खिलाफ, सचिन पायलट और जूली का फूंका पुतला, संगठन में जगह न मिलने से बड़ा आक्रोश। हाई टेंशन लाइन गिरने से हुई युवक की मौत, मौके पर ही जलकर तोड़ा दम, बांसवाड़ा का है मामला। फल सब्जी मंडी व्यापारियों और अधिकारियों में फिर पनपा विवाद, सचिव को हटाने की है मांग। कोल्ड स्टोरेज पर कार्यवाही से खफा थे व्यापारी। और केंद्र सरकार ने निजी कर्मचारियों को दी सौगात, ग्रेच्युटी सीमा 10 लाख से की 20 लाख, मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाई जाने को मिली मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। अलवर जिले में कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक मेव समाज कहलाता है, लेकिन कांग्रेस में संगठन में स्थान न मिलने से खफा मेव महासभा राजस्थान के लोगों ने नगली सर्किल पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट और जिला अध्यक्ष टीकाराम जूली का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां मौजूद समाज के लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अलवर में महासभा राजस्थान अलवर की ओर से कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के विरोध में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी के अलवर जिला अध्यक्ष टीकाराम जूली का पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन किया। मेव समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए। मेव महासभा राजस्थान अलवर के जिला अध्यक्ष कासिम खान ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का मुस्लिम विरोधी नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। अलवर लोकसभा में 3.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, जबकि किशनगढ़ बास विधानसभा में 45,000 मुस्लिम होने के बाद भी उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा जो सूची जारी की गई है उसमें किसी भी बूथ से मुस्लिम समाज के एक भी आदमी का नाम नहीं भेजा गया, जिसके विरोध में पुतला फूंका गया है। और उन्होंने बताया कि अलवर मेवात में मेव समाज के 95% लोग कांग्रेस पार्टी को ही वोट देते हैं, उसके बाद भी किसी भी बूथ से मुस्लिम समाज के व्यक्ति का नाम ना भेजना सोची समझी साजिश है। ये जो विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हो, ये अलवर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष टीकाराम जूली व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की मुस्लिम विरोधी नीति के खिलाफ है। मुस्लिम वोटर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा तादाद में है, 3.5 लाख से ज्यादा वोटर्स होने के बावजूद भी मुस्लिम्स को नजरअंदाज किया जाता है। अलवर लोकसभा क्षेत्र में 3.5 लाख मुस्लिम है और किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 45,000 से 50,000 मुस्लिम वोटर्स है। उसके बावजूद भी किशनगढ़ वास के दोनों बूथों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हाल ही में जो सूची जारी की गई है उसमें एक सिंगल नाम नहीं भेजा गया है। और इसी तरीके की एक दोगला नीति इन्होंने लक्ष्मणगढ़ में की है, जहां मुस्लिम्स के 30,000 के आसपास वोट हैं, जहां भी मुस्लिम मेंबर का किसी का भी वहां के बूथ से पीसीसी सदस्य बनने का राइट बनता है, वहां भी नजरअंदाज किया गया है। और इसी तरीके का हालात इन्होंने अलवर ग्रामीण में पैदा किए हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंदर दोनों बूथों से जहाँ मुस्लिम्स के 55,000 से 60,000 वोट है, वहाँ उनको नजरअंदाज कर दरकिनार किया गया है। इस तरीके की इनकी मुस्लिम विरोधी नीति के खिलाफ आज हमने आंदोलन किया है और इनका पुतला दहन किया है। हमारी मांग ये है कि हमारे जितने भी मुस्लिम बूथ है अलवर के अंदर, अलवर मेवात में, हम 95% वोट कांग्रेस के अंदर देते हैं। हमारी वफादारी के हिसाब से कांग्रेस हमें 50% बूथ में तो कम से कम हमारे सदस्य होने चाहिए। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के पोटलिया बाईपास के पास गुरुवार दोपहर एक बाइक सवार उस समय काल का ग्रास बन गया जब हाई वोल्टेज तार उस पर आकर गिर गया और वह जिंदा जल गया। इससे एक बार फिर से बिजली विभाग और प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। हादसा दोपहर को तब हुआ जब सड़क पर जा रहे युवक पर हाई वोल्टेज का तार टूट कर गिर गया, जिससे वह मौके पर ही जिंदा तड़प तड़प कर जल गया। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने के लिए युवक के ऊपर मिट्टी डाली, पर हाई वोल्टेज के करंट से युवक का शरीर जल गया और मौके पर ही युवक ने दम तोड़ दिया। युवक के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां लोग दौड़ पड़े और इस तरह युवक को जिंदा जलते देख आग बुझाने का प्रयास भी किया। लोगों ने युवक पर वहां पड़ी मिट्टी डाली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और युवक आग के लपटों में गिर चुका था। इसकी सूचना पर तहसीलदार परमानंद मीणा और कुशलगढ़ पुलिस और एसडीएम जयवीर कालेर मौके पर पहुंचे। बाद में शव को ग्रामीणों की मदद से मिट्टी हटाकर बाहर निकाला। युवक की पहचान
मध्य प्रदेश निवासी सेवा पुत्र भगजी निवासी ओगलिया मंदसौर के रूप में हुई। पुलिस की जानकारी के अनुसार युवक क्षेत्र में बाइक पर कंबल बेडशीट बेचने का काम करता था। घटना की जानकारी पुलिस ने परिजनों को दे दी और शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी घर भिजवाया। 15-20 मिनट पहले एस डी एम साहब और हम ऑफिस में बैठे हुए थे, कहीं से फोन आया कोटला बाईपास पे कोई आदमी मोटरसाइकिल से बाइक पे जा रहा था, कोई बिजली का तार टूट के गिरा तो उसकी बाइक के ऊपर गिरा और वो आदमी झुलस गया और गिर गया मोटरसाइकिल पे से। पब्लिक दौड़ के गई, हम जहाँ तक पहुँचे उसके पहले आसपास के सब लोग इकट्ठे हो गए, बचाने का प्रयास किया, लेकिन जो आग इतनी ज़्यादा थी कि बड़ी मुश्किल से बुझी। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा। अलवर फल सब्जी मंडी व्यापारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर गुरुवार को फल सब्जी मंडी आढ़तीय यूनियन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान काले झंडे दिखाकर विरोध प्रकट करते हुए पप्पू प्रधान ने मंडी सचिव पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यह अधिकारी भ्रष्ट है और सब्जी मंडी में आए दिन वसूली करते हैं। पिछली बार व्यापारियों के विरोध के चलते सचिव का ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसे दोबारा सब्जी मंडी में लगा दिया गया। इस मामले पर मंडी सचिव के हटाए जाने की मांग करते हुए आढ़तीय यूनियन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों सचिव द्वारा फल सब्जी मंडी में केले पकाने के लिए दुकानों में लगाए गए कोल्ड स्टोरेज को अवैध बताते हुए सचिव ने दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की थी। इस कार्यवाही के विरोध के चलते व्यापारी और मंडी प्रशासन आमने सामने है। हमारा विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि जो भूतपूर्व सचिव थे विष्णुदत्त शर्मा जी, वो एपीओ के खिलाफ हाई कोर्ट से स्टे लेके आए हैं, तो तथ्यों को गलत तरीके से वहां पर पेश किया गया है और हमारी पैरवी ढंग से नहीं करी गई। पहले भी हमने हमारे प्रशासक एडीएम फर्स्ट को राकेश गढ़वाल जी को हमने हमारा ज्ञापन सौंपा था, मैं दस्तावेज होकर, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। तो हम ये जो मंडी सचिव यहाँ पर आए हैं, आप उन्होंने आज जो ज्वाइन करेंगे उनके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है और ये हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक सरकार इनका जब तक तबादला नहीं कर देती, जब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। नहीं तो यहाँ पर रह के ये जांच की गतिविधियों को प्रभावित करेंगे और जो इनके छेले और जो इनके गुर्गे हैं उनसे व्यापारियों को डराएंगे धमकाएंगे। इस वजह से व्यापारी चिंतित है। इसी के विरोध में हम सेक्रेटरी के विरोध में जो आज ज्वाइन कर रहे हैं विष्णुदत्त शर्मा जी के विरोध में, आज हम यहाँ पर धरना देंगे। कृषि उपज मंडी अलवर में पिछले दिनों मंडी सेक्रेटरी के द्वारा अवैध वसूली और व्यापारियों के ऊपर मानसिक दबाव बनाकर उनसे अनाप शनाप पैसे वसूल किए जा रहे थे, उसके विरोध में व्यापारियों ने व्यापार मंडल को शिकायत की और व्यापार मंडल ने शिकायत के ऊपर सेक्रेटरी साहब से बात की तो सेक्रेटरी साहब ने उल्टा अनर्गल कहकर व्यापार मंडल को ही धमकाने का प्रयास किया। उस पर हमने जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद हमने एक दिवसीय मंडी में अपना विरोध प्रदर्शन कर व्यापार बंद रखा, जिसके ऊपर सरकार ने अपनी कार्रवाई करते हुए और भ्रष्ट अधिकारी को एपीओ कर दिया था। उसके पश्चात बार बार सेक्रेटरी साहब के जो यहाँ पर दलाल बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब के जो यहाँ पर दो तीन चार व्यापारी हैं जो सेक्रेटरी साहब की यहाँ पर दलाली करते हैं, उन लोगों ने इन व्यापारियों को धमकाने का प्रयास किया और आज हमें पता लगा कि माननीय सचिव महोदय अपना एपीओ के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट को गलत तरीके के तथ्य पेश करके और उस पर स्थगन आदेश दिया है। सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषणा या सौगातें मिलने की खबरें तो आम तौर पर पड़ी या देखी जाती हैं, लेकिन जब ये पता चले कि सरकार निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ करने जा रही है तो ये जानने में दिलचस्पी ज्यादा बढ़ जाती है कि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सरकारी कर्मचारी की अपेक्षा प्राइवेट कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार कम ही कदम आगे बढ़ाती है। प्राइवेट कर्मचारियों को अब एक ऐसी ही सौगात सरकार की ओर से मिलने जा रही है। दरअसल अब सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की तर्ज पर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपए तक होने जा रही है। पहले यह सीमा 10 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाया जा रहा है। राज्यसभा ने ग्रेच्युटी और मातृत्व अवकाश बढ़ाने संबंधी विधेयक को बुधवार को बिना चर्चा के ही पारित कर दिया। लोकसभा ने इस विधेयक को पिछले सप्ताह ही पास कर दिया था। इसके साथ ही इस पर संसद की मोहर लग गई है। लोकसभा ने भी इसे बिना चर्चा के ही पास कर दिया था। इस प्रकार विधेयक को बिना बहस के ही दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई।
सभापति एम वेंकैया नायडू ने कार्यवाही शुरू होने पर बताया कि सभी दलों के सदस्यों के बीच ग्रेच्युटी संबंधी विधेयक को बिना चर्चा के पारित कराने पर सहमति बनी है। इसके बाद श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने ग्रेच्युटी भुगतान विधेयक पेश किया, जिसे सदन ने चर्चा किए बिना ही ध्वनि मत से पारित कर दिया। विधेयक में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की तर्ज पर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रावधान किया गया है। ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने के साथ ही महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर भी मंजूरी मिल गई है। इस अवधि को मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की सीमा बढ़ाए जाने का भी विधेयक में प्रावधान है। बढ़ी हुई सीमा के बारे में सरकार बाद में अधिसूचना जारी करेगी। निजी क्षेत्र के लिए आई डबल खुशियों से राजस्थान में भी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। प्रदेश में प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या करोड़ों में है। इसी तरह से कई ऐसी कामकाजी महिलाएं भी हैं जिन्हें गर्भावस्था में दफ्तर को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ता था। The question is that payment of gratuity amendment bill 2018 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up class by class consideration of the bill. Class 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the eyes have it, the eyes have it, the eyes have it. Class 2 is adopted. Chairman, amendment. Class 3 stands part of the bill. There is one amendment, number 1 by T. Subram Reddy. I don't need an amendment. Thank you very much, Subram Reddy. I shall now put class 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the eyes have it, the eyes have it, the eyes have it. Class 3 is adopted. ऐसे में अब सरकार का ये कदम राजस्थान में बड़ी संख्या में प्राइवेट कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों को राहत देने वाला रहेगा। बहरोड क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की बिजली पानी की समस्याओं सहित बढ़ रहे अपराधों पर आक्रोश जताया। साथ ही बिजली विभाग पर गलत VCR भरने और अवैध कटौती को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले सैकड़ों कार्यकर्ता रैली निकालकर उपखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान भाजपा सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली पानी की समस्या और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ ज्ञापन दिया। वहीं लापरवाही के आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग अधिकारियों से तकरार भी हुई। मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। इस दौरान बस्तीराम यादव ने आरोप लगाया कि ग्रामीण पेयजल योजना के विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग की तरफ से नाजायज रूप से काटे जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। विद्युत विभाग मनमाने रूप से किसानों की VCR भर रहा है और गलत विद्युत बिल जारी किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें विद्यार्थियों को विद्युत की अति आवश्यकता है। इस समय विद्युत विभाग अघोषित विद्युत कटौती कर रहा है। कृषि कनेक्शनों की शिफ्टिंग में देरी होने से उपभोक्ताओं को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आमजन पेयजल समस्या से ग्रसित है। सरकारी कार्यालयों में भारी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। क्षेत्र में अशांति का वातावरण बना हुआ है। आए दिन गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे आम जन भयभीत और असुरक्षित महसूस कर रहा है। तत्काल रूप से समस्याओं का समाधान नहीं होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन के साथ दफ्तरों में तालाबंदी करने की चेतावनी दी है। आप बिजली के बिल के लिए तो कह रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, जो गलत VCR भरी जा रही है, जो कर्मचारी पैसे ले रहे हैं, भ्रष्टाचार है, उस पे भी आप संज्ञान लें जनता की समस्याओं को लेकर। VCR नहीं भरेगा, एक कमेटी या दो तीन आदमी गठित किया है इन्होंने कि वो VCR भरेंगे और मौके पे ही करेंगे। ऐसे दौरान काफी गहमागहमी भी होगी, लोगों में आक्रोश भी था। आक्रोश तो बहुत कम है लोगों में, लोग बाग तो मरने मारने पे, पानी के लिए हमारी सबकी समस्या है, सबको पानी चाहिए। गर्मियों में अभी बच्चों के पढ़ाई का समय भी है, उसमें भी पूरी बिजली चाहिए, तो बहुत ज्वलंत मुद्दे दोनों पानी के और बिजली के। टोकन अभी तो हमने टोकन ज्ञापन दिया है और अल्टीमेटम दिया है कि इन शिकायतों को आपने
ठीक नहीं किया, दूर नहीं किया, समाधान नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि हमको सबको मिलकर के पार्टी के लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा और इन दफ्तरों के तालाबंदी का फैसला भी लेना पड़ेगा। इसमें से पहली समस्या थी कि भाई हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जनता विभाग के और स्वच्छता समिति की जो विद्युत कनेक्शन है उनको बिल नहीं भरने की वजह से काटा जा रहा है। तो इन्होंने हमसे कमिटमेंट किया है कि अब पेयजल के कनेक्शनों को हम नहीं काटें। एक इन्होंने एक्शन साहब ने कमिटमेंट किया है कि हम गलत VCR नहीं भरेंगे, और एक्शन ने कहा है कि नीचे के अधिकारी कर्मचारी को गाइड किया गया है कि अगर VCR कोई भरी जा रही है तो उसकी फोटोग्राफी के साथ ही VCR भरी जाए। ऐसा नहीं हो नोट करके लिया है 10 दिन तक बार्गेनिंग करके और उसको नहीं पैसे देते VCR भर दी जाए, इस तरह की शिकायत नहीं आई। पानी चाहिए गर्मियों में, अभी बच्चों के पढ़ाई का समय भी है, उसमें भी पूरी बिजली चाहिए, तो बहुत ज्वलंत मुद्दे दोनों पानी के और बिजली के। टोकन अभी तो हमने टोकन ज्ञापन दिया है और अल्टीमेटम दिया है कि इन शिकायतों को आपने ठीक नहीं किया, दूर नहीं किया, समाधान नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि हमको सबको मिलकर के पार्टी के लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा और इन दफ्तरों के तालाबंदी का फैसला भी लेना पड़ेगा। इसमें से पहली समस्या थी कि भाई हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जनता विभाग के और स्वच्छता समिति की जो विद्युत कनेक्शन है उनको बिल नहीं भरने की वजह से काटा जा रहा है। तो इन्होंने हमसे कमिटमेंट किया है कि अब पेयजल के कनेक्शनों को हम नहीं काटेंगे। एक इन्होंने एक्शन साहब ने कमिटमेंट किया है कि हम गलत VCR नहीं भरेंगे, और एक्शन ने कहा है कि नीचे के अधिकारी कर्मचारी को टाइट किया गया है कि अगर VCR कोई भरी जा रही है तो उसकी फोटोग्राफी के साथ ही VCR भरी जाए। ऐसा नहीं हो नोट करके लिया है 10 दिन तक बार्गेनिंग करके और उसको नहीं पैसे देते VCR भर दी जाए, इस तरह की शिकायत नहीं आई। इसमें डॉक्टर RC यादव, धर्मवीर आर्य, राजाराम वकील, छज्जूराम, कृष्ण कुमार सैनी, देशराज यादव, कुलदीप यादव, जयपाल सिंह सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर जिले के खैरथल कस्बे में 10 मार्च को गोली मारकर हुई व्यापारी की हत्या के आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने के चलते व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। इस मुद्दे पर संयुक्त व्यापार महासंघ द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि क्षेत्र में लगातार बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों को शीघ्र पकड़ने की मांग रखने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। 12 दिन पहले सरे बाजार गोली मारकर व्यापारी मुकेश अग्रवाल की हत्या कर दी गई थी। अभी तक अपराधी पुलिस पकड़ से बाहर होने के विरोध में आज संयुक्त व्यापार महासंघ की महावर धर्मशाला में बैठक की गई, जिसमें अध्यक्षता ओम प्रकाश रोगा ने की। बैठक में वक्ताओं ने पुलिस प्रशासन से अपराधियों को शीघ्र पकड़ने और थानेदार का अभी तक ट्रांसफर नहीं करने पर रोष प्रकट किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 24 मार्च को पुणे बैठक में विधायक रामहेत यादव शामिल होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मिलने का कार्यक्रम निश्चित किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा के चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होने लगी हैं। भरतपुर जिले के नगर कस्बे में भारतीय युवा शक्ति पार्टी द्वारा जनसंपर्क किया गया। इसमें पार्टी अध्यक्ष मीठालाल जैन की अगुवाई में एक रैली निकाली गई। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष जैन का जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। पाली से सांसद रहे मीठालाल जैन द्वारा बनाई गई अपनी पार्टी भारतीय युवा शक्ति पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। साथ ही जैन ने कहा कि हम जन सेवा के लिए आए हैं और जो काम कहते हैं वो पूरा भी करते हैं, इसलिए हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। इस दौरान निकाले गए रोड शो में जगह जगह स्वागत का कार्यक्रम भी चला। ये मुझे यह राजस्थान में भेजा और राजस्थान में हरी सिंह जी के सामने चुनाव लड़ने के लिए भेजा और चुनाव लड़ा। उसके बाद में पाली से सांसद बना, पाली में भी बहुत काम किया है। आज भी पाली में हमारी बहुत मेरी बहुत डिमांड है। उसकी तो जहाँ भी मैं राजस्थान में जाता हूँ वहाँ हर तरह से लोगों को पूरे विश्वास है कि जो कहेंगे वो काम पूरा करेंगे। अलवर शहर में बिजली घर चौराहे के पास नाले में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह करीब 11:30 बजे गंदगी से भरे नाले में राहगीरों ने शव को पड़े देखा और पुलिस को सूचना दी। इस दौरान काफी संख्या में भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवा कर मोर्चरी रखवाया। कोतवाल राजवीर सिंह ने बताया कि संभवतः शराब पीकर नाले में गिरने से मौत होना प्रतीत होता है, हालांकि अभी मृतक की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है।
शहर में इस तरह खुले पड़े नाले भी मौत का कारण बनने लगे हैं। नगर परिषद प्रशासन को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इन्हें पाटने की आवश्यकता है। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। मेव समाज उतरा कांग्रेस के खिलाफ सचिन पायलट और जूली का फूंका पुतला, संगठन में जगह न मिलने से बड़ा आक्रोश। हाई टेंशन लाइन गिरने से हुई युवक की मौत, मौके पर ही जलकर तोड़ा दम, बांसवाड़ा का है मामला। फल सब्जी मंडी व्यापारियों और अधिकारियों में फिर पनपा विवाद, सचिव को हटाने की है मांग, कोल्ड स्टोरेज पर कार्यवाही से खफा थे व्यापारी। और केंद्र सरकार ने निजी कर्मचारियों को दी सौगात, ग्रेच्युटी सीमा 10 लाख से की 20 लाख, मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाई जाने को मिली मंजूरी। पर्पल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।